हाँ तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी हम चल रहे हैं अपनी सीढ़ियों पे और ऊपर शौक तकरीबन चल ही रहा है। हरियाण भाई आ गए थे, उन्होंने काउंटर खोल दिया और शानू भाई भी ऊपर ही आएंगे। मैं असल में दुकान पे था, अभी भी आया हूँ दुकान से। अब देखते हैं ऊपर जाके क्या सीन है क्या नहीं। इन्होंने कोई मारा पीटा नहीं, देखते हैं भाई फिर आपको भी दिखाते हैं। क्योंकि हम ज़रा दुकान पे माल वाल आ गया था तो उसमें मैं फंस गया था, तो मैंने लोगों को बोला आप लोग जाके खोलो, इतने में आ रहा हूँ। तो मैं हो चुका हूँ तकरीबन आधे से पौने एक घंटा लेट। अब बाकी देखते हैं लोगों ने क्या करा, शौक अभी भी चल ही रहा है। अबे भाई भीड़ लग जाती है ऊपर चढ़ के, इतनी ऊपर है ना हमारा घर, इतनी ऊपर है, पाँचवीं मंजिल पर छत है। अब देखते हैं इन्होंने क्या करा क्या नहीं। अभी कुछ भी नहीं करा। क्या करा ओए क्या करा भाई, इन लोगों ने बोलने कबूतर मार लिए। कितने पकड़े? एक 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 पकड़ा। दिखाओ भाई दिखाओ। हेलो भाई कबूतर देखते हैं। ओए देख के निकालियो, निकलना यार। ये अवेश भाई घुस गए पिंजरे में, अभी हमें दिखाएंगे कौन सा हमारा है और हम आपको दिखाएंगे। तो भाई अल्लाह की रहमत से हरियाणा भाई ने डप्पा मार के ये खेड़ा पकड़ा, ये गंडेदार, ये गंडेदार काला जोगिया, ये देखे ये मैंने था जोगिया गंडेदार। वाह भाई वाह, हरियाणा भाई वाह वाह। ये हाँ तो दोस्तों शिकारी आ चुके हैं और छत पे बैठे हैं। अब देखो बस शिकार कौन सा होता है, कौन सा है। शागिर्द आए देखे मेहमान हमारे, ये बैठे हुए पीछे, ये हमारे छोटे भाई हैं। ये भी नए नए शौकीन हजरात हैं ये, अभी हरियाणा भाई इनको अपनी शागिर्दी में लिया हुआ। हरियाणा भाई ने इंशाल्लाह इनको भी बड़े पैमाने पे कबूतरबाजी सिखाएंगे। और आज का जो शिकार करा है वो हरियाणा भाई ने करा, अकेले हाथ से छपका मारा इन्होंने बैठते कबूतर को। ये देखो खाल भी छिल गई है। हाँ ये देखो इनके अपना हाथ वाथ भी छिल गया। ना शानू भाई थे छत पे और ना मैं था, बच्चे भी बहुत शोर कर रहे थे, ये अवेश भाई थे, पाँच छः बच्चे थे और हरियाणा भाई थे, पता किसी को भी नहीं था। अच्छा हमने कबूतर खुले छोड़ दिया, एक मौकिया वो लगा हुआ था, मैं तुम हमने कहा वही लगा हुआ, मैंने कहा खुले छोड़ दो, ये कबूतर भी डरे हुए थे और बैठ टाइम थे कबूतर बैठे वो निकल गया था। हमने कहा चप निकल गया, मैंने दाना डाल के चुपचाप साइड में, वो तो काला गंडेदार बैठा मेरे हाथ की तरफ चपका था, मैंने भाग के दिखा दिया। सही जबरदस्त, बच्चे भी देखते रह गए कि करा क्या। चपका तो दिखा दिया, डांस करके दिखाओ फटाफट। हेलो वाला वाला मिलो रानी हरियाणा भाई, एक हो जाए बिल्लो रानी वाला, बिल्लो रानी वाला, बिल्लो रानी का हो तो अभी जान दे दो। भाई ये देख सकते हैं शिकारी बैठे हैं फुल तैयारी, ये भी करेंगे कि एक बार करो, करके दिखाओ कुछ ही के मारे। हाँ अवेश करेगा अवेश भाई, चलो उस्ताद तुम आज ये कबूतर उठा दिए और कबूतर बस शिकार ढूंढ रहा है कि किधर है शिकार। मैदान में कोई भी नहीं है भैया, वही काबली के पीछे है, ये थोड़े बहुत काबली उड़ रहे हैं इस तरफ। इसका नसीब बहुत अच्छा है यार, इससे पढ़ी नहीं रही है कुछ थी। ए, 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 दोस्तों देख रहे हो इलाके में कोई भी नहीं है, फुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। एक मारते कर्फ्यू लग गया भाई, आओ 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 तेरा जारी लगा हुआ है।
काला धोखा लगा वन में लगा वही लेके आएगा वही लेके आएगा। अरे यार इसका गाना तो सुन लो भाई। अभी चुप ऋषि भाई को गुस्सा आ रहा। अभी ऋषि भाई को गाना सुना दो फिर। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? अब नहीं आएंगे हटो यार। दोस्तों इलाके में तो कर्फ्यू लग गया फुल हरियान भाई की वजह से। टांगा का उतर ये रे। आओ 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 आ आ आगे का उतर ये थोड़ा हरियान भाई जा रहे हैं उठाने का उठा उठाओ भाई हरियान भाई हमारा उठ गया। एक आवाज तोड़ता एकदम गोली की तरह। ये दानिश आ गए दानिश मोटे। एक कबूतर जा रहा है भाई आवाज चीर। तो मजा आएगा दो शिकार करने के। एक तो पकड़ ले विशु भाई बोले मैं पकड़ के जाऊंगा। खोलना अंदर से पहुंच जाएगा। नहीं पहुंचेगा खा रहा है पीछे उधर गया ना उधर ये आ रहा ये आ रहा। हाँ हाँ तो उधर तो खोल अंदर से जानू। हाँ जा घूम रहा है पट्टा है किसी का और बड़ा तेज पट्टा है हो गया चोरी की तरह। अब लगता है इसके लक्षण का। हाँ तो दोस्तों कबूतर हो चुके हैं बन। हरियान भाई ने शिकार करा बहुत खतरनाक तरीके से अकेले हाथ से इन्होंने कबूतर पकड़ा। हरियान भाई और अवेश भाई अकेले थे बाकी सब बच्चे ही थे ना मैं था ना मेरा भाई शानू था। और बाकी वीडियो पसंद आई है आपको तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और बाकी हरियान भाई की कबूतरबाजी आप लोगों को कैसी लगती है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज का शौक मैं आप लोगों को यूँ नहीं दिखा पाया क्योंकि यार मैं दुकान पे थोड़ा सा फंस गया था माल आ गया था दुकान पे इस वजह से मैं दुकान पे फंस गया था। बाकी कोई मसला नहीं है हमारा शौक तो आप रोज़ ही देखते हैं और हमें भी रोज़ ही देखते हैं आज भी देख लिया ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आज का शिकार कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना कमेंट्स में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें अपने भाई को दुआ में रखें। ओके अल्लाह हाफिज़।